हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में ओपन बॉक्स डिलीवरी और हमारे टेक्नीशियन आज आए हैं इसका डेमो देने के लिए। तो ये बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो बताइए, इसमें माइक्रो है, ग्रिल है, कन्वेक्शन है। माइक्रो में आपका बॉइलिंग सिस्टम सारा काम हो सकता है, जैसे खाना गर्म करना हो या कुछ भी गर्म करना हो, चावल बनाना हो, वो सारा माइक्रो में होगा। तो माइक्रो चलाएंगे कैसे, माइक्रो टाइम देन स्टार्ट। ठीक है, एक पटाटो दे दीजिए। माइक्रो टाइम स्टार्ट देन स्टार्ट। ठीक है, एक छोटा आलू दे दीजिए। माइक्रो टाइम स्टार्ट। अब 10 मिनट के लिए लगाएं या 20 मिनट के लिए लगाएं, जैसे आपका 20 मिनट के लिए लगाएं, 10 मिनट हो जाता है तो स्टॉप करके आप चेक कर लीजिए वो सामान आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अभी हम 1 मिनट के लिए लगाए हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए टाइमर सेट हुआ है। ठीक है, और जैसे माइक्रो मोड में क्या क्या चीज़ बनेगा? बॉइलिंग सिस्टम सारा काम होगा। ठीक है, यहाँ स्टॉप दिया हुआ, यहाँ से पॉज करके ठीक है खोल के देख लूँगा हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है फिर उसी टाइम से स्टार्ट कर लेंगे। टाइम बढ़ा भी सकते हैं आप। अच्छा, बीच में टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर 1 मिनट से कम में करना है तो उसको भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्मेल हल्का हल्का आने लगा है आलू पकने का। ये देखिए आलू पूरा गरम है और इसका ज़्यादा भी हो चुका है। ये ग्रिल में आप यहाँ तो फिर दोबारा ये कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल। ग्रिल में आप ड्राई सामान बना सकते हैं, जैसे ड्राई चिकन हो गया, पनीर पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, ये सब आप बना सकते हैं। उसके लिए ये सब बर्तन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चाकू दीजिए, नहीं काटना है। ड्राई आइटम्स के लिए हो गया। ड्राई चिकन, पनीर पकौड़ा या कुछ भी बना रहे हैं तो आप ये वाला यूज, ये सब माइक्रो में यूज नहीं होगा आपका। अच्छा, ये सब माइक्रो में यूज नहीं होगा, केवल होगा। मटेरियल रख दीजिएगा, यहाँ ग्रिल है, टाइम दे दीजिए, जो भी टाइम देना देन स्टार्ट। अच्छा, बीच बीच में पॉज करके आप खोल कर चेक करते रहिए, थोड़ा ऑयल सूख गया तो ऑयल का पॉलिश मार देंगे। अच्छा, खाना वाना जैसे गरम करना है वो तो माइक्रो में होगा, वो सब माइक्रो में होगा। घर का बर्तन यूज नहीं होगा, बोरोसिल बॉल यूज होगा, फाइबर का प्लेट जाता है, वो सब खाना गरम में कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ग्रिल में वो सब यूज नहीं होगा, नहीं। उसके अलावा दिया हुआ कन्वेक्शन में आप बेकरी आइटम बना सकते हैं, जैसे वो बोरोसिल का बॉल है उसमें आप पेस्ट रेडी कर लिए। ठीक है, पेस्ट रेडी हो गया, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कन्वेक्शन बटन है, इसको प्रेस कीजिए। 180 डिग्री में खाली मशीन को प्री हीट किया जाता है। अच्छा, 180 डिग्री पे। हाँ, बेक करने से पहले। हाँ, दो मरता टिकेगा, प्री हीट लिख देगा। अच्छा ठीक है, कितने देर तक करना है टाइमिंग? लिट्टी बनाने के लिए 220 डिग्री। अच्छा, लिट्टी। तो हम आपको कम डिग्री करके दिखा रहे हैं, कितना देर नहीं, वो डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जब हो जाएगा टेम्परेचर मेंटेन, वो बीप साउंड देगा, जैसा कि अब अभी हम करके दिखा रहे हैं प्री हीट। ये प्री हीट कितने देर के लिए है? ये तो हम 40 डिग्री पे लगाए हैं। 40 डिग्री पे। वो 40 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बीप करेगा। देखिए बीप देगा।
अच्छा ये 40 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, दरवाजा खोल के इसके ऊपर मटेरियल रखकर अंदर डाल देना, अंदर रख देना। केक बनाने के लिए 30 मिनट, लिट्टी भी बनाने के लिए 30 मिनट, जो सामान जैसा बना रहे उसके हिसाब से टाइम दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। बीच बीच में खोल कर चेक करते रहिए, केक बना रहे तो चाकू डालकर देखिए कि अंदर पकाए कि नहीं पकाए। और जैसे पिज्जा वगैरह बनाना है सब वो कन्वेक्शन ही में बनेगा। अच्छा, कन्वेक्शन में बनेगा, बेकरी का जितना आइटम है कन्वेक्शन में। उसके अलावा दिया हुआ आपका ऑटो कुक मेनू, डायरेक्ट फ्राई दिया हुआ है, तंदूर दिया हुआ है, इंडियन रोटी बाजी, तो ये सब बनाने के लिए ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, बुक काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये कौन सा बर्तन किसमें लगेगा उसके लिए दिया हुआ प्रिकॉशन, ये भी आप लोग जरूर से देख लें एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है डाइट फ्राई, ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए, डाइट फ्राई लिखा हुआ। यहाँ पर क्या क्या आइटम बनेगा, DF1 में बनेगा चिकन नॉगिस, DF2 में आलू चिप्स, DF3 में गुजिया, DF4 में समोसा बनेगा, के पीस बनेगा, 8 पीस बनेगा। और यहाँ पर बर्तन भी लिखा हुआ, मल्टी कुक तावा लो रैक, मल्टी कुक तावा ये लो रैक हो गया, ठीक है, ये मल्टी कुक तावा और ये लो रैक। तो यहाँ से आप चेंज कर दिए 2, 3, 4, जैसे स्टार्ट मारिएगा ये प्री हीट मांग रहा है, प्री हीट हो जाएगा, बीप साउंड देगा, तब उसके ऊपर मटेरियल रखकर अंदर रख दीजिएगा, कितना पीस है यहाँ से सेलेक्ट कर स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसी तरीके से और भी वैरायटी दिया हुआ है, तंदूर है, तंदूर में आप क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर तंदूर है, ये बुक में देखिए तंदूर लिखा हुआ, TS1 में पनीर पकौड़ा, TS2 में मुर्ग तंदूरी, तंदूरी सब्जी, हरा भरा कबाब, जो भी बनाना आपको यहाँ से चूज कर लीजिए। मान लीजिए TS3 बनाना, TS3 बर्तन भी लगे, 200 ग्राम बनेगा बर्तन, मल्टी कुक तावा है, हाई और राइट लगेगा, ग्लास बॉल भी है, हाई रैक भी है, 13 मिनट में बन जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, यहाँ पर दूध के लिए दिया हुआ, जैसे घर में शाम में दूध आता है दूध के लिए, तो वो दूध खोला के रख देते हैं, जब हम लोग खाना खा लेते हैं 9-10 बजे, तो फिर वो क्या करते हैं, दूध ठंडा रहता है तो हम लोग चाहते हैं कि गर्म करें, गैस में गर्म करने से क्या होता है दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाइए, बॉल पर दूध डाल दीजिए, PS1 आ गया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए 2 लीटर 1 लीटर, स्टार्ट मारिए, फिर उसके बाद डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डिग्री में आप चाह रहे हैं, देन स्टार्ट कीजिएगा, 9 मिनट में आपका दूध वो सुसुम हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। उसके अलावा चाय बनाना है तो बोरोसिल के बॉल में आप बना सकते हैं, बड़ा बॉल रहेगा, ये बटन को 2 यहाँ टी लिखा हुआ है, 2 मरतब प्रेस कीजिएगा, DD1 आ जाएगा, DD1 में चाय बनेगा, कितने कप बनाना है, 1 कप 2 कप 3, 4, 4 कप बनेगा, स्टार्ट मारिएगा, टाइम शो कर देगा वो ऑटोमेटिक टाइम जी, कि 4 कप के लिए कितना टाइम वो लेगा, है ना, 3 कप के लिए कितना टाइम लगेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, तो बहुत ही आसान है। लगा के दिखा दीजिए इसको यूज करना, ये भी हमको छुइएगा मत। हाँ ठीक है, और ये ग्रिल करने के लिए है, कबाब ग्रिल कर सकते हैं, चिकन ग्रिल कर सकते हैं, ये रोटेट होगा इसमें, इसको इस तरह से फिट कर देना है, ग्रिल ग्रिल टाइम देन स्टार्ट, ये रोटेट होगा, ये ग्रिल होना स्टार्ट हो गया, आप इसमें कबाब लगा सकते हैं, चिकन पनीर ग्रिल कर सकते हैं, पनीर टिक्का बना सकते हैं, ये इसको निकालने के लिए जब गर्म हो जाएगा तो इसको इसका यूज़ बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इसको यूज़ करना कितना आसान है, और ये आज का डेमो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ़।